प्रोजेक्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय में एक धरना प्रदर्शन करने जा रही है और हमने वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर का भी घेराव किया। ऐसे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में अभी तक प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर जो है मौजूद नहीं है, तो ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें टॉर्च लेकर ढूंढा। हमने देखा कि पीएचडी जो भर्ती परीक्षा है अभी हमारी यूनिवर्सिटी में करवाई जा रही है, ऐसे में हमने देखा कि यूजीसी जो गाइडलाइंस है वो रहती है कि अगर 6 से अधिक किसी विषय में अगर पोस्ट रहती हैं, पीएचडी की पोस्ट रहती हैं, तो उसके लिए रोस्टर जारी करना पड़ता है। तो ऐसे में जो एससी के विद्यार्थी हैं, जो एसटी के विद्यार्थी हैं और अदर जो रजिस्ट्रेशन जो रिजर्वेशन में क्राइटेरिया में जो कि विद्यार्थी आते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपनी सीट से वंचित रह गए। ऐसा कि हम देखते हैं कि हमारी सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसी तरह से हमारे पीएचडी की यहाँ पे क्लासेस बैठनी थी और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 6 सीट्स फिजिक्स डिपार्टमेंट में दी गई है पीएचडी की, तो अगर ऐसा किसी भी विश्वविद्यालय में होता है तो उसके लिए पहले रोस्टर निकालना अनिवार्य होता है, पर हम देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई नोटिफिकेशन दी गई है बच्चों को। और जिस तरह के उनके एंट्रांस टेस्ट होने थे उसमें साफ तौर पर लिखा था कि जिन बच्चों का गेट क्लियर है, जिन बच्चों ने नेट निकाला है, उन बच्चों का इसमें दे आर एग्जम्प्टेड, वो इस चीज़ से निकाल दिया गया उन्हें और वो एंट्रांस नहीं देने के लिए वो सक्षम नहीं है, ना वो एंट्रांस देंगे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अब इन्होंने कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया, बच्चों को एंट्रांस देना इस बार जो लिस्ट निकली है उसमें ऐसा है कि उन्हें देना पड़ेगा एंट्रांस, तो ये सरासर गलत है। बच्चों को ना कोई आइडिया था इस बारे में, ना उन्होंने कोई एंट्रांस की तैयारी की थी, तो मेरी मांग रहेगी कि ये सरासर गलत है और विश्वविद्यालय जल्द से जल्द इस पे कार्य करे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।